हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नकली बाबा। लेकिन बात असली करता हूँ फ्रेंड्स, आईबीपीएस में 7883 पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिए हैं, जिनको आप 3 अक्टूबर तक फिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आईबीपीएस के बारे में कुछ जरूरी टिप्स आपको बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आईबीपीएस ने 19 बैंकों में क्लर्क पदों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। आईबीपीएस क्लर्क 2017 भर्ती परीक्षा उन स्टूडेंट के लिए एक अवसर होने जा रहा है जो एसबीआई में अपना स्थान सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं। इस भर्ती परीक्षा में कुल पोस्ट की संख्या 7883 है। इसके लिए स्टूडेंट को ऑनलाइन आवेदन के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की आधिकारिक वेबसाइट www.ibps.co.in पर जाकर लॉगिन करना होगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ऑनलाइन आवेदन 12 सितंबर से शुरू हो गए हैं और इसकी अंतिम डेट 3 अक्टूबर 2017 रहेगी। राजस्थान में रिक्त पदों में वृद्धि की संभावना है, क्योंकि कुछ बैंकों ने अभी तक आईबीपीएस भर्ती के लिए पोस्ट की घोषणा नहीं की है। एप्लीकेशन फीस सामान्य एवं ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को ₹600 आवेदन शुल्क देने होंगे। एससी एसटी व विकलांग स्टूडेंट के लिए आवेदन शुल्क ₹100 रखा गया है। क्वालिफिकेशन, स्टूडेंट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। जिस राज्य से वह आवेदन कर रहे हैं वहीं की क्षेत्रीय भाषा को लिखने व बोलने का ज्ञान होना जरूरी है। एज, आयु सीमा में ओबीसी वर्ग को 3 साल की छूट दी गई है। एससी व एसटी को 5 साल की छूट और निःशक्त जनों को ऊपरी आयु सीमा में 10 साल की छूट रहेगी। जॉइनिंग, पिछली बार साल 2016 में 19,000 पदों पर जॉइनिंग की गई थी। इस बार लगभग 8,000 पदों पर देश भर में हो रही है, इसलिए प्रतियोगी मुकाबला थोड़ा कठिन हो गया है। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। स्टूडेंट का चयन ऑनलाइन प्री व मुख्य परीक्षा के आधार पर होगा। प्रारंभिक परीक्षा में सभी विषयों की अलग अलग कट ऑफ व कॉमन कट ऑफ उत्तीर्ण करने वाले स्टूडेंट ही मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं। एग्जाम पैटर्न, प्री परीक्षा भी कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन मोड पर होगी, जो 2, 3, 9 व 10 दिसंबर को प्रस्तावित है। प्री परीक्षा में 3 विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें अंग्रेजी भाषा से 30 प्रश्न इतने ही अंकों के पूछे जाएंगे। इसके अलावा गणित व रीजनिंग सब्जेक्ट से 35-35 प्रश्न इतने ही नंबरों के पूछे जाएंगे। इसे हल करने के लिए 1 घंटे का समय दिया जाएगा। इस प्री परीक्षा के अंक चयन सूची में नहीं जोड़े जाएंगे, यह केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है। परीक्षा ऑनलाइन होगी, जो 21 जनवरी 2018 से संभावित है। इस परीक्षा में 4 विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 200 अंकों के रहेंगे। इसमें सामान्य अध्ययन व वित्तीय विषय से 50 प्रश्न इतने अंक के पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों को हल करने के लिए 35 मिनट का समय दिया जाएगा। अंग्रेजी विषय से 40 सवाल इतने ही अंक के पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हम इसी तरह आपके सपोर्ट के साथ एजुकेशन टेक वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।